तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 6 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्रीज, और ये चलता चला जा रहा है कहां तक, साइन स्क्वायर 90 डिग्रीज तक। जरा सा ये समझ लेते हैं ये एंगल बढ़ किस तरीके से रहे हैं। यहाँ पहला एंगल 6 है, दूसरा एंगल 12 है और आखिरी एंगल 90 डिग्रीज है। तो ये बेसिकली 6 की टेबल में बढ़ रहे हैं, 6 के मल्टीपल में बढ़ रहे हैं, हर बार दो गुना नहीं हो रहा है, ये बात समझ लीजिए। तो जरा कुछ रेशियोज लिख लेते हैं जिससे हमें समझने में बात आसानी होगी। जो पहला रेशियो है साइन स्क्वायर 6, मैं डिग्रीज नहीं लिख रहा हूं बार बार तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18, ये तीन रेशियोज हो गए। आगे चलते चले जाएंगे जो थर्ड लास्ट रेशियो होगा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर 78। जो सेकेंड लास्ट रेशियो होगा वो होगा साइन स्क्वायर 84। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर 90 ये हमें दे ही रखा है। ये टोटल बच्चों कितने रेशियो हैं, टोटल 15 टर्म्स हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जिनको जोड़ा गया है। अब जरा बहुत ध्यान से इत्मीनान से इस बात को समझ लीजिए कि जो हमारा ये पहला है और हमारा सेकेंड लास्ट है, जरा इनको गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 84। इनको दोनों को मिला के देखेंगे ताकि हमें बाद में एक फील आने लगेगी, ध्यान से समझिए। अब ये हमारा जो दूसरा रेशियो है और इस साइन स्क्वायर 84 से पहले वाला यानी साइन स्क्वायर 78, इनको मिला के लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 78। क्या मेरी बात समझ में आती है, टोटल ये 15 थे तो ऐसे ब्रैकेट कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे हमारे 14 टर्म्स के 7 ब्रैकेट्स बनेंगे, बात समझ में आती है, और आखिर में साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये चलता चला जाएगा और आखिरी जो ब्रैकेट बनेगा हमारा वो किस किस का बनेगा, वो बनेगा साइन स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 48, और आखिरी एक टर्म हमारी बच गई, वो कौन सी बच गई, साइन स्क्वायर 90। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए। ओके, इक्वल टू लगा देता हूं मैं यहां पर, इक्वल टू। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 6 प्लस कॉस स्क्वायर 6 लिख सकता हूं क्या मैं इसको, समझ में आ रही है, देखिए कैसे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, सबसे पहले इसको क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस 90 माइनस थीटा और इस पूरे का स्क्वायर, फिर वापस कॉस के ऊपर स्क्वायर लिखकर ऐसे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख देता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको या नहीं, ठीक है। तो अब जरा साइन स्क्वायर 84 को मैंने कैसे लिखा होगा जरा समझिए, साइन स्क्वायर 84 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस 84 लिखाओ तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 6 बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर 6 प्लस कॉस स्क्वायर 6 ये ऐसा ही तो है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगली जो टर्म बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर 12 प्लस कॉस स्क्वायर 12। इसी तरह से ये सारी बंदी चली जाएंगी, साइन स्क्वायर 42 प्लस कॉस स्क्वायर 42, और आखिरी टर्म हम मेरे पास क्या मिलेगी, मुझे साइन स्क्वायर 90 मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है, तो ये कितने वन आ गए, 1 प्लस 1, और कितनी बार तक ये वन आ गए, है ना, यहां तक ये टोटल मेरे पास 7 टाइम्स आए, कितने टाइम्स आए, 7 टाइम्स, और फिर मेरे पास साइन 90 का स्क्वायर बचा हुआ है वो भी 1। तो टोटल आंसर कितना हो गया बच्चों, टोटल आंसर हो गया 1 × 7 प्लस 1। ओके, आखिरी जो नंबर है वो कौन खड़ा है, 1 खड़ा है, तो आंसर मेरे पास आया 8। क्या बात समझ में आती है, ओके, इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे कुछ 4 क्वेश्चन लगे हुए वो भी देख लीजिए।